लॉस एंजलिस लेके आए, मैं उनके साथ लॉस एंजलिस आ गया, उन्होंने बोला आप वहाँ अपना टाइम जाया करें, आप यहाँ आ जाएँ। हाँ, उन्होंने बोला आपका डिज़ाइन हाउस, वो अनफॉर्चुनेटली उनके साथ कोई रिलेशनशिप अच्छी नहीं रही, वो भी कुछ अजीब ही से लोग थे, हमें समझ नहीं आया या उनको मैं समझ नहीं आया। आई बिकेम ब्रोक, आई लॉस्ट एवरी थिंग, आई लॉस्ट माई बिजनेस इन नेब्रास्का एंड माई न्यू पार्टनरशिप यू नो फेल्ड, मैं बिल्कुल पेनीलेस हो गया। जहाँ मिलियन डॉलर मैंशंस में रहता था और महंगी गाड़ियाँ चलाता था, मैं रोड पे आ गया बगैर गाड़ी के, बगैर घर के, बगैर पैसे के। और जिन लोगों से ताल्लुकात थे, जो अमीर लोग थे, वो तो पहचानते नहीं थे जब आपको उस पैसे में। तो फिर दोबारा मेरे वालिद ने बोला वापस आ जाओ, उस वक़्त याह्या पैदा हो चुका था, आई हैड वन ईयर ओल्ड सन, माई वाइफ वॉज डूइंग रेस्पिरेटरी थेरेपी एट दैट टाइम ईस्ट एल ए में, वहाँ जाती थी। तो बोला एक छोटे से, एक बड़े मैंशन से, एक छोटे से वन बेडरूम एफिशिएंसी में आ गए। तो वालिद ने बोला वापस आ जाओ, तुम्हारा बच्चा भी है, यहाँ आके अपना बिज़नेस कुछ कर लेना, कुछ देख लेना, जिम्मेदारी कर लेना, कुछ ट्रेडिंग में आ जाना। मतलब ऐसे नहीं आऊँगा, कुछ करके आएंगे। फिर दोबारा से मेरी पहली जॉब जो थी वो थी एक रेडियो ड्राइव के बिल्कुल पैरेलल एक और इन लॉस एंजलिस एक स्ट्रीट है बेवरली ड्राइव, उसमें एक स्टोर था मारियानी, बहुत बड़ा स्टोर था, उसके अंदर एज अ सेल्स असिस्टेंट। तो जो मेरी मैनेजर थी वो थी गो गेट साइज 6 शू, तो मेरा दैट्स हाउ आई स्टार्टेड। फिर वहाँ से यू नो आई यूज्ड टू मॉप द फ्लोर, आई यूज्ड टू गेट बोर्ड, तुम क्या, मैं कहूँ मुझे विंडोज़ डेकोरेट करना और कुछ नहीं, तो मैं विंडोज़ डेकोरेट करना शुरू किया। उसमें पुराने कंबल और चारपाइयाँ और पाए और परांदे और पता नहीं क्या क्या चीज़ें उस ज़माने में मिली, उससे बहुत अटेंशन मिली, लोगों ने विंडोज़ देखी और मेरे बहुत से यू नो सेलिब्रिटी क्लाइंट्स मुझे वहाँ से मिले अपनी विंडोज से। साथ साथ रेडियो ड्राइव वाले आते थे वहाँ, एक रेस्टोरेंट था कोने पे अल्फरनायो के नाम से, लंच करने आते, तो वो भी विंडोज देखते थे, यार क्या अजीब सी है। तो मुझे रेडियो ड्राइव में भी कुछ बड़े स्टोर्स की विंडोज़ का मौका मिल गया, तो मेरे पास पैसे आना शुरू हो गए। फिर मैंने बोला मैंने डिज़ाइन करना है, फिर एक कंपनी में गया, दूसरी कंपनी, तीसरी कंपनी, डिज़ाइन करता रहा और सीखता रहा, कीप्ट ऑन शिफ्टिंग जॉब, जहाँ से पैसे ज़्यादा मिलते वहाँ चला, फिर इंडिपेंडेंट करता रहा अपना, फिर वो नहीं चला, फिर इसी तरह सेलिब्रिटीज़ के साथ काम करता रहा। सेलिब्रिटीज़ के साथ काम करने में यह था कि उस ज़माने में ये समझता था कि बहुत फ़ायदा होना है, ये नाम बनेगा, ये बनेगा। सेलिब्रिटीज़ बहुत वो थे कि अगर ये मेरा डिज़ाइन हो तो मैं किसी दूसरे को ना बताऊँ, तो प्रमोशन नहीं होती थी। और मैं वैसे ही था, कोई आता था बोलता था ये डिज़ाइन कर दो, मैं डिज़ाइन कर देता था, वो अपने नाम से करें, जिस नाम से करें। और मुझे भी उस ज़माने में कभी वो, मेरा हमेशा से ये फेथ रहा था कि जो मेरे नसीब के मुझसे कोई ले नहीं सकता और जो नहीं है मुझे कोई दे नहीं सकता। तो लोगों ने बोला आप ये करें, आप इस तरह करें, इस तरह इंटरेक्ट करें, इस तरह पार्टीज थ्रो करें, इस तरह आप अपना सर्कल बढ़ाएं। तो मुझे कोई बात समझ नहीं आती, हमारे जिससे दिल लगता था हम उससे मुलाकातें करते थे, बातें करते थे और दोस्ती करते थे, हम दोस्ती करनी आती थी और कुछ भी नहीं आता था। और दोस्ती भी क्या करनी आती थी, बस वो जिससे दिल मिलता था उससे दिल लगाते थे। और फिर जब देन मुझे फिर कुछ दो ईरानी मेरे दोस्त थे, वो मेरे साथ पार्टनर्स बने, हम लोगों ने एक कंपनी फॉर्म की, हमने वहाँ अपनी मैन्युफैक्चरिंग शुरू की, मैं डिज़ाइनिंग शुरू की, वो मैन्युफैक्चरिंग संभालते थे हम लोग। तो मेरा बिज़नेस, मैं दोबारा से रीसेटल हो गया, जो लोग कहते थे वापस से कामयाब हो गया। ड्रेसेस बनाते थे, वेमेंस डे इन टू इवनिंग ड्रेसेस, रेयन जॉर्जेट के प्रिंटेड ड्रेसेस, अच्छा बिजनेस था, चलना शुरू हो गया। वापस से फिर गाड़ियाँ भी आ गई, घर भी आ गए, सब कुछ भी आ गया, एक और बेटा भी पैदा हो गया। हाँ जी, हाँ कितने साल लगे सोपाल सक्सेस दोबारा? ये मेरा ख्याल है कि 3 या 4 साल लगे वापस आने पे। और जैसे ही वापस आया वैसे ही वापस आ गया। अच्छा बीच में आपका, मैं भी पढ़ रहा था कि आपने मैडोना के लिए कपड़े बनाए और शेर के घर में स्टूडियो था, वो क्या स्टोरी है? शरल जो थी, शरल क्रोव एक सिंगर थी वहाँ बहुत मशहूर, तो मरियम मलकपुर उसकी स्टाइलिस्ट थी। मरियम ने मुझे इंट्रोड्यूस कराया, पर्शियन ऑल्सो शी इंट्रोड्यूस मी, उसने मुझे शरल से इंट्रोड्यूस कराया और शरल से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। उसी ने मुझे फिर प्रमोट किया। फिर पोलेटा वाशिंगटन थी, डेनजल वाशिंगटन की वाइफ,
उनसे दोस्ती हो गई, तो उन्होंने वो थिएटर करती थी। फिर एक और थिएटर कंपनी थी, कॉर्नर स्टोन थिएटर कंपनी, उसके अंदर मैंने एज एन एक्टर, एज अ उस तरह भी काम किया, और एज अ कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर भी काम किया। तो मेरे हॉराइजन्स खुलना शुरू हुए, चीज़ें खुलना शुरू हुई। एंड ऑफ द डे इतनी चीज़ें, फिर इतने लोगों को भी जान लिया, थोड़ी सी कामयाबी भी मिल गई। फाइनेंशियल सिक्योरिटी को हम लोग कामयाबी कहते हैं, तो वो थोड़ी सी मिल गई। तो फिर मैंने बोला लेकिन मकसद हयात क्या है, करना क्या? अभी तक कर तो लिया, बहुत से लोग कहते हैं सक्सेसफुल है, बहुत से लोग कहते हैं बहुत और बहुत आगे जाना है। अब पता नहीं जाना कहाँ है और पता नहीं सक्सेस क्या है, लेकिन सुकून नहीं था। घर में स्टूडियो कैसे बना है? मेरे पास वो पैसे थे नहीं स्टूडियो खोलने के उस वक्त। उसकी एटिक में जगह थी, उसमें तुम यहाँ के कपड़े बनाओ, हम यहाँ के कपड़े बनाते, तो उससे दोस्ती होगी। फिर उसके जितने सेलिब्रिटीज़ आते थे उनसे दोस्ती होगी, फिर उनके लिए चीज़ें बनानी शुरू हुई। वो रे ऑफ लाइट उसका एक वीडियो था। मैडोना उस ज़माने में वॉज गोइंग थ्रू दीज डिफरेंट फेजेस, और उनका पहले गेशिया फेज था, और जब मैं आया तो उस वक्त मैं वाहिद था उस एरिया में जो कोई एथनिकली इंस्पायर्ड चीज़ें करो, तो उसको इंडियन से रिलेट करते थे। तो उसको वो चीज़ बहुत पसंद आई, तो उसने अपना पूरा जो रे ऑफ लाइट बनाया था वो इंडियन इंस्पायर्ड था। इंडियन इंस्पायर्ड नहीं था, तो पाकिस्तानी इंस्पायर्ड था। लेकिन फिर साथ साथ हमारे बहुत से अच्छे इंडियन दोस्त थे और दोस्तें थी, वो भी बहुत शामिल हो गई। उन्होंने मेहंदी, वहाँ मेहंदी का रिवाज वहाँ से शुरू हुआ, यू नो, हिना टैटूज़ का। सो दैट वाज द टाइम के वो इंडियन कल्चर, अब उन्होंने उसको पैकेज इतना खूबसूरत किया था कि पाकिस्तान का नाम ही नहीं आता था कहीं। और दो जो कॉस्ट्यूम्स थे रे ऑफ लाइट के, सारे नहीं, बहुत जो जो मेन कॉस्ट्यूम्स थे उनके कुछ बूस्टियर्स थे, कुछ स्कर्ट्स थे, और फिर रंग थे, वो एम्ब्रॉयडरीज थी, वो सारी चीज़ें वो मेरा था। और तो अच्छी इंटरेक्शन रही मेरी जहाँ तक डिज़ाइनिंग ही थी, लेकिन बिजनेस इंटरेक्शन मेरी अच्छी नहीं, क्योंकि उन्होंने पैसे नहीं दिए और मेरा इस बात में उनके साथ कोई वो भी हो गई थी, अनबन भी हो गई थी। वो बाद में फिर हम लोगों ने, उसी ने, मैं कहूँगा उसका बड़ा पन था कि इतनी बड़ी आर्टिस्ट, और उसने सेटल किया मेरे साथ, मेड पीस विद मी। तो फिर बी 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 सी बी जी लापिस लिली इसी तरह के जो वहाँ के जो थे। फिर पेरिस में कुछ डिज़ाइन हाउसेस थे, जीवांशी था और कृष्ण लखवा था, जिनके लिए मैं प्रिंट डिज़ाइन करता था। और ये सारी चीज़ें मैंने कहीं से स्कूल से नहीं सीखी थी, मुझे भी ये और ये सारी चीज़ें आउट ऑफ नेसेसिटी आई मुझे। मैंने कंप्यूटर ख़रीदा, मैंने फ़ोटोशॉप खुद सीखा, क्योंकि मुझे अपनी लाइन शीट्स बनानी होती थी, तो मैं डिपेंडेंट नहीं होने से। फिर मैं फ़ोटोग्राफर का इंतज़ार करता था, मैंने वो एक सोनी का वो कैमरा लिया, कार्ल ज़ीस लेंस वाला, तो उसके साथ मैंने फ़ोटोग्राफी शुरू की। उससे पहले मेरे पास वो कोडैक का पतला वाला होता था, फिल्म वाला, तो उससे मैंने फ़ोटोग्राफी शुरू की। फिर आहिस्ता आहिस्ता फ़ोटोग्राफी यू करता रहा। फिर चीज़ें मुझे समझ नहीं आती थी कि बेहतर किस तरह होना है, अच्छा किस तरह बनना है, बेस्ट किस तरह होना है, कोई पता तो करो इसमें है क्या। तो हम लोग वो उसकी टेक्निकल एस्पेक्ट्स में इतने फंस जाते थे कि हमें उस जो उसका जुज़ था ना उस चीज़ का, हम उससे दूर हो जाते थे। तो फिर वहाँ से मैं वापस आया पाकिस्तान। जब पाकिस्तान वापस आया तो लोगों ने, सबसे बेवकूफ़ आदमी तुम हो जो पाकिस्तान वापस आ गए, कि तुम्हें यहाँ कोई जानता नहीं था, 15 साल से अमरीका में हो, हार्डली वापस आए, रबता तो ना ईमेल थी ना कुछ दूसरा था, और रबते में भी नहीं थे किसी से। और उससे पहले 5 साल कैड कॉलेज में था, तो कराची नहीं आते थे, तो मेरे दोस्त जितने थे उस ज़माने सारे कैप्टन वगैरह, कोई सियाचिन में है, कोई किधर है किधर है, और बाकी जितने दोस्त थे सब अमेरिका में थे, हमें किसी को जानता ही नहीं था। मैं पाकिस्तान आया, 5वें दिन मेरे घर पे डकैती हुई, मेरे घर पे डकैती हुई, और वॉज अ वेरी ये था कि मुझे भी मारा बहुत, मेरे दादा को बांधा, वालिद को, तो मैंने वो सारा वो चीज़ देखी। और यू नो बहुत ही अजीब सा मेरे ऊपर वो था। मैं सुबह मेरे वालिद ने मुझे, यू नो मैं बहुत गम और गुस्से की हालत में था सुबह, कि मैं जब पुलिस के पास गया तो मुझे, आपने शक्लें देखी थी, मैंने उनके टाटे बंदे, ये तो बड़ा मुश्किल है। तो वो भी मुझे, मैं SHO तक को नहीं जानता था, किसी सिपाही तक को नहीं जानता था, तो उन्होंने मुझे लंबी कहानियाँ दी। मुझे समझ नहीं आई कि मैं क्या करूँ, मैं किसके पास जाऊँ। जब मैं बैठा तो परेशान गुस्से में कि मुझे वो आदमी मिले मैं ना छोड़ूं।
मेरे वालिद ने मुझे बोला कि तुम इस तरह करो, तुम वापस अमेरिका चले जाओ। अरे मोहम्मद, मैंने कहा मैं वापस नहीं जा सकता, और अगर मैं वहाँ होता और आप लोगों के साथ ही होता तो मैं तो वहाँ किस तरह ज़िंदा रहता। मैं कहा वापस नहीं जाऊँगा। फिर उन्होंने बोले यार तुम फैशन डिज़ाइनर हो, तुम इस तरह करो जमजमा पे कोई दुकान खोल लो, ये सारे डिज़ाइनर्स यहाँ हैं। तो हमारे गोदाम होते थे जहाँ आए भी हैं, कॉम्यून आर्टिस्ट कॉलोनी। तो मैं वहाँ गया तो वहाँ कब्ज़ा था, सारे कब्ज़े थे वहाँ बहुत से लोगों के, जुए के अड्डे थे, अंदर सारा गन था, वहाँ आने नहीं, लोग बोलते थे वहाँ जाओगे लोग किडनैप कर लेंगे। मैं किसी को जानता भी नहीं था। तो मेरी एक पुरानी 32 बोर की पिस्टल होती थी, वो मैं लगा के वहाँ जाके बैठता था, और मैंने सबको बोला था अब मैं यहाँ आके बैठूँ, अब आप यहाँ से जाएँ। उस ज़माने में कोई इतनी बड़ी मूछें भी नहीं थी, और पैंट पहनता था और ताल्लुकात थे नहीं। तो 2 साल मैं झगड़े करता रहा, जिसको झगड़े भूल गया था करने उसको उन्होंने दोबारा सिखाया झगड़े करने। बंद भी हो गया मुझे 2-3 दिन, तो मुझे कारागर में बंद रखा है इन्होंने। और बस इस तरह पे मैंने बोला भाई अगर मैं हक पे हूँ तो मैं लड़ूँगा, मैं एक और भत्ता नहीं दूँगा, रिश्वत नहीं दूँगा, जितनी कोशिश हो सकेगी झूठ नहीं बोलूँगा, जो मेरा हक है वो लूँगा, जो नहीं है वो नहीं। तो 2 साल यहाँ लड़ता रहा, फिर बड़ी मुश्किलों से मिला। जब कॉम्यून बना तो सब ने बोला बहुत ही बेवकूफ़ आदमी, यहाँ कौन आएगा, जितने आर्टिस्ट और ये वो सारे थे शुरू में तो उनको बड़ा अच्छा लगा ये क्या चीज़ है। जब उन्होंने देखा ये शायद ही कुछ हो सकेगा तो उन्होंने बोला कि यहाँ से तो बिल्कुल कट ऑफ हो जाओ। तो वो लोग भी कोई सपोर्ट नहीं मिली वहाँ से उस तरह से। फिर 2007 हुए मुझे मौका मिला हज पे जाने का, मैं हज पे चला गया। वापस मैं आया 29 दिसंबर को, 30 दिसंबर इन द मॉर्निंग मेरे वालिद ने मुझे बुलाया और बोला कि यूसुफ हमारी ज़मीन है, हर हफ्ते जाते, बचपन से ही हर हफ्ते वहाँ जा रहे हैं, तो अभी वहीं जाता था, ज़मींदारी हमारा काम था।